देखिए दोस्तों, हम जा रहे हैं पुआ पिठा बनाने के लिए, इसको जा रहे हैं चालनी में चालने के लिए। ये आटा है, देखिए ये चीनी है। हाँ, इस तरह करके निकाल के उसको करके देख लीजिएगा कुछ है तो नहीं, और अंदाज अनुसार मीठे जितना मीठा खाना है आपको उसी तरह दीजिएगा। हाँ, जैसे हम इतना डालें। उसके बाद इसको पूरा मिक्स कर लिए। पानी डालते हैं, एकदम अच्छा से मिक्स करना है इसको। देखिए अब मिक्स हो गया है ये, देखिए इस तरह हाथ में उठना चाहिए, देखिए इस तरह करके, देखिए इस तरह हो रहा है ना, देखिए इस तरह। हाँ, अब इसको 10 मिनट के लिए ढक दीजिए। देखिए दोस्तों, पूरा कढ़ाई सूख गया है, अब इसमें जा रहे हैं रिफाइंड ऑयल डालने के लिए। इसको अच्छा से गर्म होने दीजिए। देखिए 10 मिनट के बाद कैसा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है ना, ये पूरा घुल गया, देखिए पूरा लरी टाइप का बन गया। इस तरह बनाना है। देखिए गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको, देखिए इस तरह ट्राई करना है, गर्म नहीं हुआ है। देखिए गर्म नहीं हुआ, धीरे धीरे गर्म हो रहा है। देखिए दोस्तों, अब गर्म हो चुका है, अब इसको डाल रहे हैं। ये हो जाएगा तो अपने ऊपर आ जाएगा, देखिए आ गया ना ऊपर। इसी तरह पलट देना है। इसको अच्छा से गाल लेना है इस तरह करके, धीरे 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 पूरा गल जाएगा ये वाला। थोड़ा सा भी तेल नहीं रहना चाहिए, शरीर के लिए खराब करेगा, ज़्यादा ऑयल खाना अच्छा बात नहीं है। देखिए दोस्तों, इतना सारा मैंने बना के तैयार कर लिया है, इसी तरह अपना घर में आप भी ट्राई कीजिएगा, कितना अच्छा लग रहा है, कितना मस्त लग रहा है। देखिए इस तरह अपना घर में पसंद खाइएगा बना बना के, और आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।